13 अगस्त साल 1936 को भीकाजी रुस्तम कामा का निधन हुआ। मैडम कामा से मशहूर भीकाजी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। भीकाजी ने लंदन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से काम किया। उन्हें जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए याद किया जाता है। साल 1906 में लंदन में उनकी मुलाकात प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल और वीर सावरकर से हुई। वहीं लंदन में रहते हुए वह दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रहीं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले एशियाई थे। भारत सरकार ने देश के प्रति भीकाजी कामा के समर्पण और योगदान के लिए उनके नाम का एक डाक टिकट जारी किया। साल 1795 को अहिल्याबाई होलकर का निधन हुआ। उन्हें सेवा, सरलता, सादगी और मातृभूमि की सच्ची सेविका के रूप में याद किया जाता है। अहिल्याबाई इंदौर घराने की महारानी थीं। उन्होंने समाज से कई प्रकार की कुरीतियों और कुप्रथाओं को समाप्त किया। बचपन से ही शिव भक्त अहिल्याबाई हमेशा अपने पास शिवलिंग को रखती थीं। इंदौर में प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में अहिल्योत्सव का आयोजन किया जाता है।